नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास टेंथ का विज्ञान, जिसमें चैप्टर आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप चैप्टर फर्स्ट को क्विक रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम चैप्टर सेकेंड को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षारक तथा लवण, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट रिविजन है और आपको बहुत अच्छा हो लगेगा जब आप इसे कम्प्लीट सुनेंगे और समझेंगे। तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल ये रसायन नीले लिटमस पत्र को कर देता है लाल। ठीक है, तो अम्ल एक रसायन होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आप क्षारक देख पा रहे हैं, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी लाल को जो नीला कर देता है क्षारक कहलाता है, स्वाद में ये कड़वे होते हैं। ठीक है, लवण क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिकों को लवण कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे खनिज अम्ल क्या होता है। वे अम्ल जो सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड आदि खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, H2SO4, HNO3 एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसी में पॉइंट है हमारा, जो जैविक कार्बनिक अम्ल क्या होता है। वे अम्ल जो पौधों तथा पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जैविक कार्बनिक अम्ल क्या होता है, जो पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जैविक अम्ल कहते हैं। जैसे कि सिट्रिक अम्ल हमारा जो है ना, उसके बाद लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल, तो ये सारे जो है ना क्या होता है, ये पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं, इसमें हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। ठीक है, तो H3O का होल प्लस होता है, यानी आयन अम्ल से जब जल अणु के बीच होने वाली अभिक्रिया से बनने वाले आयन को हाइड्रोनियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ H+ और वाटर के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, राइट। इसको आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए सार्वत्रिक सूत्र सूचक क्या होता है, तो इसे हमें पढ़ना है। यह कुछ सूचकों का मिश्रण होता है और यह किसी विलयन में जैसे H+ आयन देता है। आपको याद रखना है H+ आयनों की जो सांद्रता है उसके अनुसार ये रंगों को क्या करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो सार्वत्रिक सूत्र सूचक है ये। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जैसे कि तीव्र अम्ल क्या होता है, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है ये 1 मार्क्स में। ठीक है, और MCQ फॉर्मेट में पूछा जाएगा आपका, इसका को दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन के साथ और फिर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में पूरी तरह से विघटित हो जाता है, यानी जल का जो विलयन होता है, जल का जो मिक्सर होता है उसमें जो है ना पूरी तरह मिल जाता है, ठीक है, वो तीव्र अम्ल कहलाता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों क्या होता है, जल में क्या होता है, पूरी तरह से विघटित हो जाता है, उसे हम तीव्र अम्ल कहते हैं। कमजोर अम्ल क्या होता है? तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में अपने आयनों में पूरी तरह से विघटित नहीं होता है, जैसे एसिटिक अम्ल आप ले लीजिए, सिट्रिक अम्ल ले लीजिए, ये कंप्लीट जो है ना जल में अपने आप को विघटित नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं कमजोर अम्ल कहलाते हैं, राइट। अब देखिए, अब आपको ये देखना है इसमें जो अम्ल लोग के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आपको सीधा पूछा जाता है ये अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए। तो इसका पहला जो है आपका, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। आपको ये याद रखना है, अम्ल जो है ना धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा, जैसे सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे धातु है, आयरन हो गया, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल अणु बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है,
ये सारे याद कर लीजिए, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है जो अम्ल के जो गुण हैं वो अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल अणु बनाते हैं, यानी क्षार के साथ जब अभिक्रिया करते तो उसमें क्या बनाएंगे, जल और लवण बनाएंगे, ठीक है। और यह कैसा अभिक्रिया होगा, तो उदासीनीकरण होगा। ये कैसा अभिक्रिया होगा, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण आपको पता है ना, ये अगर ये स्केल है पीएच स्केल तो 7 है तो ये उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ क्षारीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसका, जो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, तो इसे हमें याद रखना है। क्षारक कुछ धातुओं जैसे जिंक तथा व एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके कुछ विशेष प्रकार के लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा वाटर बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ जैसे आप जो है ना जान सकते हैं जो अधातु कौन सा है, तो ये अधातु वो होते हैं जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन नहीं, नाइट्रोजन, ये सब क्या है हमारा जो है ना ऑक्सीजन, ये अधातु है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अधातु जो है ना क्या होता है, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्षारक लवण तथा जल बनाती है, याद रखना है, ये थर्ड पॉइंट। अब ये इसके कुछ सूचक हैं जो आपको याद रखना है। तो हमने अम्ल का जो है ना गुण को भी पढ़ लिया, रासायनिक क्षारक के गुण को भी पढ़ लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं जो सूचक, यानी सूचक क्या होता है। तो सूचक क्या होता है, जैसे कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जिनका उपयोग अम्ल तथा क्षारकों की पहचान के लिए किया जाता है, इसके लिए पीएच स्केल होते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया, या एक प्रकार का पैमाना होता है। पूछेगा पीएच स्केल क्या होता है, बच्चों याद रखना, सूचक किसे कहते हैं यह भी याद रखना। तो पीएच स्केल क्या होता है, यह एक प्रकार का पैमाना होता है जिससे किसी विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता का पता लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एच प्लस आयन की सांद्रता का पता लगाते हैं। तो उदासीन विलयन जिसका पीएच मान जो है ना 7 होता है उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। अम्लीय होता है जिसका 7 से जो है ना क्या होता है, जो कम होता है, ठीक है, उसको अम्लीय कहते हैं। जिसका पीएच 7 से कम होता है वो अम्लीय कहलाता है, जिसका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। आपको ये याद रखना, ये तीनों पॉइंट, पीएच स्केल पूछेगा, सूचक क्या होता है, ये आपके एग्जाम में अब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए कुछ सामान्य लवण तथा उनके उपयोग, जैसे धोबन सोडा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, तो Na(CO)3.10H2O, ठीक है, इसका उपयोग पूछेगा आपसे। तो इसका उपयोग जो है ना बहुत ही आसान है, बोरेक्स बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में तथा कठोर जल को मृदु बना करने में, ठीक है। कठोर जल जो हार्ड वाटर होता है उसको पीने योग्य, यूजेबल, यूज करने योग्य बनाने में, ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट का यूज होता है। सेकेंड है मीठा सोडा, मीठा सोडा क्या होता है, मीठा सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीठा सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इसका रासायनिक फार्मूला ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको याद कर लीजिए अभी ये बच्चे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है बेकिंग पाउडर के एक घटक के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, जो बेकिंग पाउडर यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, एक एंटीसिड दवाई के रूप में, एंटासिड दवाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये पूछा जाएगा, ये VVI है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बिरंजक चूर्ण, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl3 होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसका यूज क्या है, कपड़े को विरंजित करने के लिए, जल के शोधन के लिए, एक ऑक्सीकरण के रूप में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अब देखिए थर्ड है, फोर्थ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बच्चों
बच्चों मैं अभी भी 200% कह रहा हूँ, वैसे परसेंटेज 100 होता है, 200% कह रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन आप समझिए 10th क्लास में है, आपको दो क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है, चार नंबर से, 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ये इतना आपको याद करना, ठीक है। तो चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ठीक है। इसका यूज ये देखिए, इसका केमिकल फार्मूला, रासायनिक फार्मूला आपको याद रखना, CaSO4.5H2, ठीक है। ये इसका यूज क्या होता है, जैसे आप लोगों का हड्डी टूट गया होगा कभी आपने खेलने में, किसी भी बस तरह जो है ना फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसमें टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर ऑफ पेरिस करने के लिए उपयोग करते हैं। खिलौना बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, मूर्ति को बनाने में, जैसे बड़े अच्छे अच्छे मूर्ति, दुर्गा माता, काली माता, ये वगैरह वगैरह आप जो मूर्ति देखते हैं, ठीक है, उन सबको बनाने में जो है ना ये क्या होता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, तथा दीवारों तथा छतों के आदि को सुंदर बनाने में यहाँ भी यूज होता है। तो बच्चों आप ये इसे याद रखेंगे अच्छे से, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अम्ल तथा क्षारक के कुछ समीकरण हैं जो डायरेक्ट आपको ये दो पार्ट दे देंगे और ये नहीं देंगे, और ये आपको लिखना होगा। यहाँ भी आपके ये पार्ट देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ भी आपके एक पार्ट इस साइड का पार्ट दे सकता है और इस साइड का पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको खुद को भरना है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं पहले, राइट। देखिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल जब धातु, यानी अम्ल जब धातु से के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंक लव जो है ना ये क्या होगा, बनेगा, लवण बनेगा और उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आपको ये याद रखना है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सारे टेस्ट में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्षार क्या हो, क्षार जब सोडियम हाइड्रो से जब यह अभिक्रिया करता है तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, फिर ये वाटर बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। जब अम्ल जल अणुओं के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब वाटर के साथ बनाता है तो H3O+ होता है और प्लस Cl- हो जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव फॉर्मेट में हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जब अम्ल जल अणुओं के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्षार जल अणु के साथ OH आयन बनाता है तो क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम Na+ और OH- होता है, Na+ होता है तो ये पॉजिटिव धनायन कहते हैं, माइनस होता है ये ऋणायन होता है, याद रखिएगा बच्चों आप, ये आपके बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं। अब हम देखेंगे कुछ विशेष रासायनिक यौगिक की कुछ अभिक्रियाएं हैं, जो ये अभिक्रियाएं आपके बोर्ड का जो पेपर आप उठा के देख लेंगे वहाँ ये पूछे हुए सारे हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण बनाना कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण ये आपको याद रखना कैसे बनता है, तो ये सारे प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। जब क्लोरीन गैस की सूखे बूझे चूने के साथ अभिक्रिया करने पर ये CaOH का Hl2 प्लस क्लोरीन के साथ करेगा तो CaOCl2 प्लस वाटर बनाएगा, और ये क्या है आप सभी को पता है, ये ब्लीचिंग पाउडर है जिसको आप मच्छर भगाने के लिए आप नाले में डालते वगैरह रहते हैं, नालियाँ वगैरह में डालते हैं, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, फॉर्मूला, और ये कैसे बना है ये आपको याद रखना है, ये समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा यानी जो खाते हैं हम सोडा, ठीक है, जैसे आपने राजमा बनाया होगा, राजमा में थोड़ा सोडा डाला होगा तो वो अच्छे से वो क्या होता है, उबल जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा होता है, तो ये बेकिंग सोडा क्या होता है आपको इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये आपका है क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको पढ़ते हैं, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये Na2CO3 यानी ये धोबन सोडा वाटर में बदल जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। उसके बाद ये जो आपका जो ये धोबन सोडा है, ये 10 मोल जल के साथ क्या करता है, धोबन सोडा बनाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब आपको ये अभिक्रिया ऐसे ही पूछा जाता है एज इट इज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनना कैसे बनता है, तो सोडियम यानी जिप्सम, जिप्सम आप सभी को पता होगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है ये, ठीक है। इसको जब हम 373 केल्विन के तापमान पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये क्या हो जाता है, फिर जिप्सम बन सकता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का बनाना और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनना, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने के बाद अगर आपका हड्डी टूट गया तो ये काम आता है, अगर ये आपने का काम आया तो ये फिर उसके बाद उतारने का भी ये काम करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो अगर आपका हड्डी टूट गया है तो आपका हड्डी टूटने के लिए में जो लगने वाला है ये है, उसके बाद ये बन के आपके हड्डी में लग जाता है, उसके बाद ये होता ही है, उसके बाद उतारने के लिए इसे फिर इतना टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फिर वो आपको उतार दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आई थिंक, और आप को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे चैनल पे जो भी इस तरह की वीडियो है। और आप जो भी वीडियो, अगर आप MCQ का वीडियो देखना चाहते हैं पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सबका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सभी चैप्टर का मैंने MCQ का कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप MCQ का वीडियो देखिए साइंस का, और फिर आप इस चैप्टर का रिवीजन कीजिए। तो चलिए, ये क्रैश कोर्स का दूसरा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।